नर्मदा और सोन के बीच की मोहब्बत की कहानी जी, फिल्म की जुबानी जी जी जी, दो नदियों की मोहब्बत जो कभी सफल नहीं हो पाई, दो नदियों की मोहब्बत जिसमें एक तीसरा एंगल जुहिला का है, जो एक छोटी सी नदी है, ट्रायंगुलर लव स्टोरी है ये, ट्रायंगुलर लव स्टोरी नदियों की, ट्रायंगुलर लव स्टोरी एक लोक कथा है ये, शॉर्ट फिल्म बनाई है आपने? जी हाँ, शॉर्ट फिल्म बनाई है और ये दरअसल ये एक लोक कथा है, बहुत इसके कई पार्ट हैं, बहुत प्रसिद्ध कथा है ये और इस पर कविताएं भी हैं, काफ़ी लेख भी हैं, कुछ कहानियां भी हैं। तो इस लव ट्रायंगल के बारे में ज़रा बताएं, नर्मदा को सोन से मोहब्बत है, नर्मदा बीच में कौन आता है? देखिए कथा जो कही जाती है, जो बहुत प्रसिद्ध पाठ है इसका, वो यह है कि नर्मदा, सोन और जुहिला तीनों बचपन के मित्र हैं और नर्मदा का विवाह जो है वो सोन नदी के, नद के साथ, नदी नहीं है वो नद है, नर है, वो नद के साथ तय हुआ है और जब ये विवाह होने वाला है तब नर्मदा को ये पता चलता है कि सोन जो है वो एक छोटी सी आदिवासी नदी जुहिला के प्रति आकर्षित है, तो वो बहुत मानिनी नायिका है, गर्वीली है और वो मंडप से उठकर उल्टे पांव चल देती है और एक भौगोलिक सत्य भी है, एशियाई नदियों में नर्मदा जो है उसका बहाव उल्टी तरफ को है। का क्या हुआ? जुहिला जो है आगे जाकर सोन से मिल जाती है और वहाँ पर सोन का पार्ट जो है चौड़ा हो जाता है, ये भी भौगोलिक सत्य, और नर्मदा अकेली रह जाती है, नर्मदा अकेली रह जाती है, नर्मदा की नर्मदा का को एक विरहिणी नदी माना गया है और ऐसा कहते हैं, ऐसा सुना जाता है लोक में, ये बात बड़ी प्रसिद्ध है कि गंगा या यमुना को में डुबकी लगाने से जिस तरह का पुण्य मिलता है वो नर्मदा के दर्शन मात्र से मिल जाता है, उसे कुंवारी नदी कहा जाता है। मेरी फिल्म जो है वो दरअसल इन तीनों पात्रों का पर्सोनिफिकेशन है और नर्मदा को प्रस्तुत करने वाली जो नायिका है वो अपने प्रेमी को चिट्ठियाँ लिख रही है, वो सब क्या है जो हो सकता था और वो सब जो नहीं हुआ है, तो पूरी फिल्म जो है वो मेटाफर्स में है। ये सूखते तालाब की, ज़रा उस पर आए तो, ये सूखते तालाब की मुर्गाबियाँ एक कविता है, लंबी कविता है जो मैं, बिहार के कई लोग माइग्रेट करते हैं हाँ, तो वो दिल्ली वाले परेशान रहते हैं हाँ, वो आके देखो जिस नौकरी पे कब्जा कर लिया है, तो वो सूखते तालाब की मुर्गाबियाँ एक मेरी अभी नई कविता है जो जिसके बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, वो चूँकि 15 मिनट लग जाएंगे सुनाने में, एपिक पोएम है वो, 1947 में जो बिहार से जो मुजाहिर लोग जो पलायन किए थे और ढाका गए थे और फिर कराची गए थे, तो उन्हीं के ऊपर है कि वो क्या अपनी भाषा जो है, जो भोजपुरी वाला है या फिर जो बज्जिका है, क्या वो फिर कभी लाहौर या कराची में बोल पाया होगा, उसी की आयरनी और फ्लाइट और सफरिंग के बारे में, कि जो एक आदमी लैंग्वेज बोल रहा है और वो कराची में चला गया है या फिर लाहौर में चला गया जहाँ पे पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे क्या वो कोई भोजपुरी या मगही या बज्जिका बोल पाया होगा, तो ये है उसके बारे में है। सूखते तालाब की मुर्गाबियाँ जो है वो इशारा है कि एक तालाब अगर सूख रहा है तो मुर्गाबी क्या कर, मतलब कहाँ जाएगी, वो उड़ नहीं सकती है उतनी ज़्यादा, अगर वो दिन में रात में मतलब कि उड़ती नहीं है और वो दिन में उड़ता है तो वाट एवर भी उसको मार दिया जाएगा, तो इसी का इस्तारा है, मेटाफोर की तरह है वो। मुजफ्फरपुर में आपके घर के पास कोई तालाब था क्या? हाँ हाँ, बहुत सारे तालाब, आप तो जानती हैं उस इलाके में पोखर होना, तो अगर नहीं है पोखर तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, गाँव में मछली पोखर ये सब तो होते ही, क्योंकि आपकी हर कविता में एक तालाब जरूर है, ये मेरे जीवन का भी इस्तारा है, क्योंकि मैं इसको उसमें है ना कि बगुला भी ध्यान में, मछलियाँ भी ध्यान में, तालाब है या कि मौजा, शिकार भी शिकारी भी एक ही मकान में, तो ये तालाब एक सत्यारा है दुनिया का, कि शिकार शिकारी सब इसी में है, अब आप देख लीजिए कि क्या कर रहे हैं।